नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 5-पिन एक सॉकेट है और एक 2-पिन सॉकेट है, उसको एक सिंगल स्विच से कैसे कंट्रोल करते हैं। इसकी आज हम लोग वायरिंग सीखेंगे। इस तरीके का बोर्ड घरों में काफ़ी यूज़फुल रहता है, मोबाइल चार्जिंग के लिए, फ़ैन वगैरह लगाने के लिए। तो आज हम इसकी वायरिंग सीख लेते हैं कि घर पर हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। ये इसका पूरा मॉड्यूल बॉक्स है, इस तरीके से ये इस पर टाइट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। ये हमारा 5-पिन सॉकेट है, यहाँ पर L लिखा हुआ है राइट साइड में। इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा राइट साइड में, यानी कि इस पिन पर हमारा फेस कनेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रिकल का स्टैंडर्ड है। और जहाँ पर N लिखा हुआ है वहाँ पर हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा। और ये जो मोटी वाली पिन है, यहाँ पर अर्थिंग का सिम्बॉल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर अर्थ वायर कनेक्ट होगा। इसी तरीके से जो हमारा ये स्विच है, यहाँ पर एक्सटर्नल जो बाहर से सप्लाई आएगी इस बोर्ड के लिए, वो एक पॉइंट पर कनेक्ट होगी और दूसरे पॉइंट से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा दोनों सॉकेटों में जाएगा इसको कंट्रोल करने के लिए। और जो दूसरा हमारा सॉकेट है, यहाँ पर एक किसी भी पॉइंट पर हम फेस वायर लगा सकते हैं और दूसरे पर हम न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेस वायर जो हमारा होता है उसकी वायरिंग समझ लेते हैं। फेस के लिए मैंने यहाँ पर अपना ये रेड कलर का वायर लिया हुआ है। फेस वायर के लिए यहाँ पर मैंने ये रेड कलर का वायर पहले से ही कट कर रखा है। मैं यहाँ पर जहाँ पर L लिखा हुआ है ये हमारे सॉकेट में, वहाँ पर इस रेड वायर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर टाइट कर लूँगा। और इसका जो दूसरा सिरा है वो मेरा जाएगा स्विच में, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम इसको लगा लेते हैं। वैसे तो आउटपुट लगा लेते हैं। और अब जो दूसरा सॉकेट है हमारा 2-पिन वाला, उसको भी हम लोग फेस वायर यहाँ से दे देंगे, यानी फेस वायर कनेक्ट कर देंगे इसमें भी। ऊपर की साइड पर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं या ऊपर भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं, क्योंकि एक ही स्विच से इसको कंट्रोल करना है, तो इसलिए मैं इसके साथ में ही जो पहले वाला मैंने वायर लगा रखा है उसमें ही इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको टाइट कर लूँगा। ये अच्छे से टाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर लूज रहता है तो स्पार्किंग का ख़तरा रहता है, इसलिए हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बोर्ड की जो फेस वायर है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर ली है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पर ये रेड वायर कनेक्ट कर दिया L वाले पॉइंट पे, और उसके बाद हमने स्विच में लगा लिया। उसके बाद एक जो 2-पिन का सॉकेट है उसके एक पॉइंट पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं न्यूट्रल के लिए लगा लेता हूँ यहाँ पर वायर। न्यूट्रल भी हम कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा सॉकेट है जहाँ पर N लिखा हुआ है वहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक पॉइंट पर। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा दूसरे सॉकेट का, वहाँ पर अभी मैं इसको टेम्पोरी लगा लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल वायर आएगा वो हमारा इसका जो बॉक्स है उसके अंदर से निकालेंगे, ताकि टाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा इसका बैक कवर है, इसमें हम लोग पहले से ही हॉल करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से वायर इसमें से निकाल लेंगे और फिर हमारा या तो इस पॉइंट पे न्यूट्रल का जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी दे देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तो यहाँ पर दीजिए या फिर इस दूसरे वाले पॉइंट पे दीजिए। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा 2-पिन सॉकेट है उसके इस पॉइंट पर। मैंने ये भी वायर टेम्प्रोरी लगाया था, इसके साथ में मैं ये ब्लैक वायर कनेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से ये मैं ब्लैक वायर इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ, जो हमारा बाहर से आएगा न्यूट्रल। और ये जो हमारा रेड वायर है उसको मैं डायरेक्ट स्विच में लगा दूँगा। इस तरीके से स्विच में कनेक्ट कर दूँगा। अब इसकी ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। आप देखेंगे कि मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखा है 2-पिन सॉकेट से और 5-पिन सॉकेट को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, और सिर्फ हम फेस को कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारा स्विच में जा रहा है,
बाहर से जो सप्लाई आएगी वो स्विच में जाएगी और स्विच से निकल के ही हमारे ये इन दोनों सॉकेटों के लिए जाए। तो इस तरीके से ये फेस और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर मैंने, आप देखेंगे कि अर्थ वायर नहीं कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अर्थ वायर है नहीं। ये जो मैंने इसमें केबल कनेक्ट की वो 2 कोर की केबल थी, नहीं तो अगर ये 3 कोर की केबल होती तो मैं यहाँ पर अर्थ वायर ज़रूर कनेक्ट करता। अगर आपके पास हो, आपके घर में अगर अर्थिंग लग रही हो, तो आप यहाँ पर अर्थ वायर ज़रूर कनेक्ट करें। इससे काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है शॉक लगने से भी, और आपका रहता है। तो अर्थिंग ज़रूर कीजिए अगर आपके पास है तो। तो मैं इसको अब इस बॉक्स में, जो इसका बॉक्स है, इसमें इसको टाइट कर लेता हूँ। और ये हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो पूरी तरीके से अब तैयार हो गया है टेस्टिंग के लिए और यूज के लिए। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको यूज में हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, आप उन पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, कृपया लाइक किया कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके के नए वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैंने इस बोर्ड को अलग से एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी है, फेस न्यूट्रल दे रखा है। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा टेस्टर से। अभी हमारा ये स्विच ऑफ है, तो इस टाइम पे इसमें सप्लाई नहीं आनी चाहिए। तो देख रहे होंगे आपकी सप्लाई नहीं आ रही है। इसी तरीके से दूसरे पिन में भी मैं देख लेता हूँ, इसमें भी सप्लाई नहीं आ रही। और इसी तरीके से जो हमारा 2 पिन सॉकेट है इसमें भी देखता हूँ, तो इसमें भी सप्लाई नहीं आ रही है अभी चेक करने पर। तो और जब मैं स्विच ऑन करूं तो राइट साइड में ही मेरी सप्लाई आनी चाहिए। जैसे मैं अभी स्विच ऑन करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में ये सप्लाई आ रही है और लेफ़्ट साइड में नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर भी एक पॉइंट में सप्लाई आनी चाहिए और दूसरे पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बोर्ड है वो सही है। मैं आपको ये बल्ब होल्डर के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसका प्लग लगा कर। अभी हमारा ये स्विच ऑन है इसलिए ये बल्ब चालू हो गया, और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ होना चाहिए। इस तरीके से जब चालू करूँ तो चालू होना चाहिए और इस तरीके से ऑफ़ करूँ तो ऑफ़ हो जाना चाहिए। इसी तरीके से मैं दूसरा जो 2 पिन सॉकेट है उसको भी चेक कर लूँगा। यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, और इसको भी जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये ऑन होना चाहिए और जब ऑफ़ करूँ तो ये ऑफ़ होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा ये जो एक्सटर्नल बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड, ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।